वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का तरफ से एक अच्छा रिक्रूटमेंट निकल के आया ITI स्टूडेंट के लिए। जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। आज डिस्कस करेंगे फुल ऑफिशियल नोटिस और वैकेंसी लेके और कैसे फॉर्म फिलअप करना है। देखिए ये ECIL कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का होम पेज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो एक नया इंटरफेस खुला है ये मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए यहाँ पे अप्लाइंग स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल 2022, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 11 अप्रैल 2022। देखिए यहाँ पे जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट आप देख लीजिए। जैसे मैं क्लिक किया देखिए यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट आपका डाउनलोड हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है प्रोजेक्ट कौन कौन प्रोजेक्ट के लिए। फॉर डायनामिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड ITI पास कैंडिडेट के लिए बोला गया है। देखिए फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सटेंडेबल अप टू 3 ईयर्स टर्म डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। इसके हिसाब से आपका एक्सटेंड होता रहेगा, ये आपका परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा और जैसे जैसा सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस और जैसा प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आपको टर्म एक्सटेंड किया जाएगा। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ट्रेड वाइज दिया गया देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक नंबर ऑफ पोस्ट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 814, इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 184, फिटर के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 627, अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 इयर्स रखा गया। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट पर मंथ यहाँ पे देखा लिखा गया है। फर्स्ट ईयर में आपका 20,480 रुपीस दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में 22,528 रुपीस दिया जाएगा, नेक्स्ट थर्ड ईयर में आपको 24,780 रुपीस दिया जाएगा। देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी PF TADA व्हाइल ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। ऑफिशियल ड्यूटी के लिए कहीं पे जाना होगा तो आपको TADA दिया जाएगा। लीव रूल एज एप्लीकेबल, जो रूल रहेगा वो आपका एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट वाइज रिजर्वेशन देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का नंबर ऑफ पोस्ट 814, SC के लिए 130, ST के लिए 57, OBC 220, UR 326, EWS 81। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 184, SC 29, ST 13, OBC 50, UR 74 एंड EWS ओनली 18। नेक्स्ट यहाँ पे फिटर जो ट्रेड है फिटर ट्रेड के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 627, SC 100, ST 44, OBC 169, UR 252, EWS 62। देखिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन का कॉलम में देखिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट शुड पास 2 ईयर्स इन द ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन और फिटर। यहाँ पे देखिए बोला गया है इन एडिशन ऑफ 1 ईयर अप्रेंटिस NAC इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज मैंडेटोरी। यहाँ पे NAC मैंडेटोरी किया है 1 ईयर पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन क्वालिटी मटेरियल मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विल बी एडेड एडवांटेज। अगर ये सब में आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो आपको एडवांटेज दिया जाएगा। देखिए रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन SC ST OBC PWD के लिए एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव जो है जो रूल है उसी के हिसाब से दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स फॉर SC ST, 3 ईयर्स फॉर OBC, 10 एंड 10 मोर ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन PWD कैटेगरी।
जो आपको गवर्नमेंट से दिया जाता है रिलैक्सेशन, वो सेम रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस में दिया गया है, प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग, कैंडिडेट शेल बी शॉर्टलिस्टेड ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन आईटीआई। आईटीआई में आपको जितना मार्क्स मिला है उसी के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1:4 रेशियो में। कैंडिडेट्स विथ मार्क्स इन क्लास 10 स्टैंडर्ड शैल बी कंसिडर्ड। आपको क्या क्लास 10 में क्या मार्क्स मिला उसी के हिसाब से आपको कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अपॉन शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट हैदराबाद थ्रू ईमेल। हैदराबाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो ईमेल आपको इन्फॉर्मेशन भेज दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे अपॉन शॉर्ट लिस्टिंग सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफर लेटर भेज दिया जाएगा इशूड कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल। मेरिट में अगर रहेगा नाम तो आपको भेज दिया जाएगा। कैन बी फेस्ड मैटर ऑफ रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया। हाउ टू अप्लाई एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, ये वेबसाइट में जाके आपको देना है, अप्लाई करना है। लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और आज से एप्लीकेशन अप्लाई चालू हो गया 1 अप्रैल 2022, और एप्लीकेशन आपको लास्ट डेट आपका लास्ट डेट 11 अप्रैल 2022। ये था इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।